साल 2023 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरे संसार के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर चार साल के लंबे इंतजार के बाद हमें यह शानदार टूर्नामेंट देखने को मिलता है। और अब की बार होने वाला वर्ल्ड कप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बीसीसीआई पूरे के पूरे इवेंट को भारत में होस्ट करने के लिए जा रही है। और जस्ट अभी कुछ देर पहले ही वर्ल्ड कप 2023 के रिगार्डिंग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग खत्म हुई, जिस मीटिंग के बाद हमें वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स आईसीसी की तरफ से देखने को मिले हैं। और इस वीडियो में हम उन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और जानेंगे स्टार्टिंग डेट्स, शेड्यूल, न्यूज़ टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लास्ट स्ट्रीमिंग डिटेल्स और साथ ही साथ क्यों पाकिस्तान की टीम यहां पर वर्ल्ड कप से एलिमिनेट होने वाली है, पूरे सिनेरियो को हम पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होस्टिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार इस पूरे के पूरे इवेंट को, पूरे के पूरे टूर्नामेंट को बीसीसीआई भारत में होस्ट करने के लिए जा रहा है। और बीसीसीआई ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है, जहां पर भारत के 10 स्टेडियम को वर्ल्ड कप 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही काफी सारी कंट्रोवर्सीज हमें देखने को लिए, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ओडीआई फॉर्मेट में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलेगा और उसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। भारत की टीम ने पाकिस्तान ट्रेवल करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ नजर आया है। हमें आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिल चुकी है कि हमें एशिया कप 2023 किसी न्यूट्रल वेन्यू पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने भी बड़े सवाल उठा दिए, पीसीबी यहां पर काफी ज्यादा निराश नजर आ रहा है। पीसीबी ने यहां पर इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए बीसीसीआई और आईसीसी के साथ अपनी मतलब एक यहां पर आपको हम ऐसा बोल सकते चैलेंज दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि यदि यहां पर भारत की टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आती है और एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जाता है, तो ऐसे में यहां पर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पाकिस्तान की टीम बैकआउट कर सकती है, अपना नाम वापिस ले सकती है, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से इंकार कर सकती है, जिसके बाद मामला फिलहाल काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। खैर दोस्तों एशिया कप के वेन्यू के डिसीजन को यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा पोस्टपोन किया गया है। मिड ऑफ मार्च में हमें एक और एसीसी आईसीसी और बीसीसीआई की मीटिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद यहां पर एशिया कप पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है स्टार्टिंग डेट और शेड्यूल को लेकर, जहां डेट्स के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट है, जहां पर ऐसा कंफर्म किया जा चुका है कि हमें मिड ऑफ अक्टूबर 2023 में यह शानदार टूर्नामेंट देखने को मिलेगा और मिड ऑफ नवंबर में इस शानदार टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। फॉर्मेट में अब की बार किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर नहीं किया जाएगा। टीम्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, तो फिलहाल जो ओडीआई सुपर लीग चल रही है उस सुपर लीग की पॉइंट टेबल की टॉप 8 टीमें यहां पर डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली है, जहां पर ऑलरेडी आपकी इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपकी बांग्लादेश, आपकी अफगानिस्तान, ये 7 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। एक और टीम यहां से क्वालिफाई करने वाली है, वो आपकी श्रीलंका हो सकती है, आपकी अफ्रीका हो सकती है या फिर वेस्ट इंडीज हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो मतलब नीचे के दो स्पोर्ट्स के लिए अलग से क्वालिफायर मैचेस हमें देखने को मिले, उसके बाद यहां पर सुपर 10 के लिए 10 की 10 टीमें हमें सेलेक्ट होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर पाकिस्तान टीम की पार्टिसिपेशन को लेकर बना हुआ है। खैर दोस्तों जल्दी आने वाली मीटिंग में यह मुद्दा भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, पाकिस्तान की टीम को क्वालिफाई करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है यदि यहां पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो इसमें किसका नुकसान है, आईसीसी का नुकसान है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही नुकसान है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।